Good morning to all. Today we start chapter 4th of class 10. The chapter name is quadratic equations. ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे quadratic equation का meaning लिखा है कि what is the meaning of quadratic equation. As you all know, quad का मतलब होता है power 2. वैसे तो quad का मतलब 4 होता है, लेकिन square होके वो मतलब उसको स्क्वायर खोलेंगे तो पावर 2 हो जाता है. ठीक है, हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके अंदर भी उसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी, 2. यहाँ पे हम डील करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जिसकी पावर हाईएस्ट कितनी होती है, 2. मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स इन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कि इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखना, जहां पे हाईएस्ट पावर पहले होती है एक्स स्क्वायर, फिर एक पावर डिक्रीज होके एक्स. अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करूं तो यहाँ पे होता है एक्स की पावर 0, जो कि 1 ही होता है, इसलिए वो मेंशन नहीं होता है. ठीक है, जहां पे पावर की तो बात हो गई, अब जो ए बी सी होते हैं हमारे, वो एबीसी होते हैं हमारे रियल नंबर्स. क्या होते हैं, रियल नंबर्स. एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल टू 0. ठीक है, अब जो मैंने ये फॉर्म लिखा है ना यहाँ पे, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0. मतलब आप जब भी किसी भी नंबर को या किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आप ध्यान रखोगे कि सबसे पहले आपको टर्म लिखनी है स्क्वायर वाली, पावर स्क्वायर वाली, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको लिखना है. ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना 4.1 का, उसमें आपको यही करना है, उसमें आपको सिर्फ बताना है क्वेश्चन को सॉल्व करके कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है या नहीं है. तो हम क्या करेंगे, हम उसको सॉल्व करके इस फॉर्म में लाने का ट्राई करेंगे. अगर ये वाली फॉर्म बन जाती है तब तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नहीं बनती है मतलब नहीं है. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1. क्वेश्चन 1 इज चेक वेदर इक्वेशंस या वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. आपको चेक करना है, तो चेक करने के लिए हमको पता है, साइड में हम लिख लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स. ठीक है, अभी ये इस फॉर्मेट में है, इसको हम कोशिश करेंगे कि ये वाली फॉर्म मिल रही है क्या हमें. अगर मिल रही है तो मतलब हमारी ये जो क्वेश्चन दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सबसे पहले क्या करेंगे, एलएचएस और आरएचएस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, फिर इधर उधर लाके इसको ट्राई करेंगे फॉर्म बनाने का. क्या करा मैंने, सबसे पहले x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करूंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू, यहां मल्टीप्लाई यहां मल्टीप्लाई, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. जी यहां आके प्लस ये कैंसिल. अब देखो स्क्वायर बन रहा है, एक्स वाली टर्म नहीं है मेरे पास, कोफिशियंट है मेरे पास सिंपल. तो क्या ये मैं इसको लीनियर नहीं सॉरी क्या मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकती हूं, तो मैं कहूंगी यस, क्योंकि हो सकता है ये कुछ ऐसा हो, तभी तो इक्वेशन है. तो हम लिखेंगे कि इट इज इन फॉर्म ऑफ हैंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, हमने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद देखा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी या नहीं, तो हमारी फॉर्म बन गई वो वाली, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस लिख दो गया. अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट.
थर्ड पार्ट देखो इसका, करना वही है, एलएचएस आरएचएस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, पहले जो ये एक्स है ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स वन जा एक्स। ठीक है, सेम अप टू, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का। तो माइनस का 2x प्लस माइनस, माइनस का 2, ये आ गया। ठीक है, आप चाहो तो उसको और सॉल्व कर सकते हो, कैसे, प्लस माइनस माइनस, ये बन गई एक इक्वेशन। ठीक है, एक पार्ट की। अब इसका आओ, सेम एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस माइनस एक्स, एक्स सॉल्व हो जाएगा माइनस 3। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो सेम टर्म होगी वो दो दो जाके कट हो जाएगी। तो देखो, जब ये एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, ये प्लस का 2x यहाँ के भी माइनस का, और ये माइनस का 3 यहाँ के प्लस का। तो उसको सॉल्व करते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3, कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ही नहीं है। जब हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट नहीं होता ना, तो हम क्या बोलते हैं इसको, कि ये इस फॉर्म में नहीं है। किस फॉर्म में, देखो एक बार, क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास एक्स का कोफिशियंट नहीं था, लेकिन फिर भी हमने उस टर्म को अज्यूम कर लिया था 0 मान के, पर इसको नहीं कर सकते, आगे वाली टर्म कभी भी 0 नहीं हो सकती। अभी इक्वेशन क्वाड्रेटिक ना होके क्या हो गई है, लीनियर हो गई है, क्योंकि x की पावर कितनी है, हाईएस्ट 1 ही है। तो x की हाईएस्ट पावर हमें क्वाड्रेटिक करने के लिए कितनी चाहिए होती है, 2 चाहिए होती है। ठीक है, तो अभी हम क्या बोलेंगे इसको, कि इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि ये वाला फॉर्म कंटेन नहीं कर रही, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पार्ट करते हैं इसका, 8 है, 4 का करना है, 4 आप करना। नेक्स्ट हम लेते हैं इसका 6th वाला पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये वाला पार्ट तो हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्या सॉल्व करेंगे इसके अंदर, इसको सॉल्व करते हैं और कोफिशिएंट को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, ये एज इट इज, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स 4x, सेम यहां लिया उन टर्म्स को सबको एक तरफ और इक्वल टू में 0 कर देते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है हमारी, इक्वल टू में हमको 0 चाहिए होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x, वही कट जाएगा, दिख ही रहा है हमको, फिर भी लिख के बताएंगे पूरा उसको, कैंसिल। ये क्वाड्रेटिक है क्या, लीनियर है, तो इट इज अ लीनियर इक्वेशन। और उसने हमसे पूछा क्या है, क्वाड्रेटिक, तो हम बोल देंगे नो, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये वाली फॉर्म कंटेन नहीं कर रही है। ठीक है, अब हम इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8th वाला, उसके बाद सेकेंड वीडियो में हम लोग इसकी वर्ड प्रॉब्लम, 4 वर्ड प्रॉब्लम है, वो चारों हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, 8th वाला लास्ट पार्ट है ये, इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है, क्यूब। तो उसको सॉल्व करके देखते हैं, क्या पता है आगे जाके
क्यूब कट जाए इसका और ये किस में आ जाए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। LHS एज इट इज, क्योंकि कुछ सॉल्व करने के लिए लायक नहीं है इसमें अभी फिलहाल। RHS के अंदर हमें ओपन करना है a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब। पहले मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला कि मैं ऐसे कर रही हूँ इसको, माइनस बी क्यूब माइनस इस हिसाब से करूंगी मैं इसको। और यहाँ पे मेरा a क्या है, x और b ये है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब, बी क्यूब मतलब माइनस का 8, माइनस का 3, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और 2 प्लस 3 ए, बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। एक्स क्यूब माइनस 8, 3 टू जा 6, एक्स स्क्वायर 2 टू जा 4, 4 थ्री जा 12 एक्स। और यहाँ पे से इसको अरेंज करते हैं, ये कैंसिल, माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर, माइनस का x माइनस का 12x प्लस का 1 प्लस का 8। और सॉल्व होगा ये आगे, प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस, बन गई ये वाली फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, तो क्या लिखेंगे अपन, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी थे, आपको कुछ नहीं करना। जहां स्क्वायर बोला है वहां स्क्वायर खोलना है, जहां क्यूब ओपन करना है वहां पे क्यूब ओपन कर लो, कोएफिशिएंट को यहां वहां लेके जाओ, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, और फिर देखो कि आपके पास स्क्वायर वाली फॉर्म बच रही है इनिशियली स्टार्टिंग में। अगर बच रही है तो वो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, और नहीं बच रही है तो लीनियर है और वो क्वाड्रेटिक नहीं है। ऐसा हमको येस और नो लिख देने हैं। ठीक है, इसके बच्चे में चार क्वेश्चन है, एग्जांपल आप करना। इसकी वर्ड प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपन लोग। वर्ड प्रॉब्लम में भी हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़नी है। बस ये है कि वर्ड जो प्रॉब्लम दे रखी है आपको, वो आप समझोगे कैसे, खुद से कैसे उसको बनाओगे, है ना। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।